थानों का कार्य टारगेट हिट करना है, लाशें गिनना नहीं। राजनीतिक दलों द्वारा सबूत मांगे जाने के बाद वायुसेना चीफ ने तोड़ी चुप्पी। रिमेम्बर द इनिशिएटिव विद द एडवर्सरी, द टारगेट हैज बीन क्लियरली एम्प्लीफाइड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी इन हिज स्टेटमेंट एंड ऑफ कोर्स इफ यू प्लान टू हिट द टारगेट वी हिट द टारगेट अदरवाइज व्हाई वुड ही हैव रिस्पोंडेड। एएनआई प्लीज, इफ वी हैड ड्रॉप्ड बॉम्ब्स इन द जंगल देयर नो नीड फॉर हिम टू रिस्पोंड। दैट स्टेटमेंट विल बी मेड बाय द गवर्नमेंट। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that time. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in the police. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. वायुसेना के जवानों द्वारा 26 फरवरी को नापाक पाकिस्तान के मंसूबों को धराशाही करते हुए वहां के बालाकोट स्थित जंगल में कैंप लगाकर रह रहे आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। यही नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक सेना के पराक्रम को अभी तक भूले नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह द्वारा वायुसेना के द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाबत सबूत मांगना निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जानकारी है अमित शाह को कहां से मिली, क्योंकि अमित शाह तो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो तो सरकार में मंत्री नहीं है, ना वो जानकारी पा सकते हैं जब तक उनको सरकार जानकारी न दे। तो अगर सरकार ने उनको जानकारी दी है तो वो जानकारी विपक्ष के नेताओं को भी देनी चाहिए, और अमित शाह जी पहले इस सवाल का जवाब दें कि उनको जानकारी कहां से मिली। क्या डिफेंस सर्विसेज से मिली, जिन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी हम अनुमान कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। इस तरह के बयान देश की आवाम किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेगी। भारत माँ के सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। अरे मोदी कहता है कि मैंने इतने घर बनाए, उस पर भी बात करो ना। मोदी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सही कह रहा है, नहीं कह, करो ना विवाद। नहीं कर रहे, सेना को लेकर के करते हैं विवाद। मैं कहता हूं मेट्रो ले रहा है, आपको कहना होगा कि चलो नहीं लाया, मोदी झूठ बोल रहा है। करो विवाद, कौन मना करता है भाई। मैं कहता हूं मेडी सिटी बनाया, आप बोलो मोदी झूठ बोल रहा है, मेडी सिटी नहीं बनाए। बोलो ना, कौन मना करता है तुम्हें। मोदी को गाली देने के लिए कोई कम जगह है क्या? पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो?